हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्वागत है अपने E2C चैनल में। आज हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के कारण अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राहत के संकेत के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो का अंत तक देखिए जिससे कोई जानकारी आपकी छूटे नहीं। शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो को। नई जानकारी प्राप्त हुई है फ्रेंड्स, पूरी जानकारी को हम पढ़ लेते हैं जिससे कोई जानकारी अधूरी ना रहे। परिषदीय स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में अंकों की हेराफेरी के कारण फेल हुए अभ्यर्थियों को राहत देने के संकेत हैं। शासन की उच्च स्तरीय जांच टीम के सामने यह साबित हो चुका है कि अंक दर्ज करने में गड़बड़ी हुई है। ऐसे अभ्यर्थी का चयनित होना लगभग तय है। जांच समिति इस संबंध में शासन को सुझाव भी दे सकती है। हालांकि इस बात पर सहमति नहीं बन सकी है कि इसके लिए संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए या फिर पूरा परिणाम नए सिरे से घोषित किया जाए। शिक्षक भर्ती के लिखित परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी उजागर होने पर शासन कई अफसरों पर कार्रवाई कर चुका है और 3 अफसरों की उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है। समिति के 2 सदस्य सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक वेदपति मिश्रा व बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र कुमार बहादुर सिंह ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में इस मसले की गहनता से छानबीन कर चुके हैं। जाँच में यह प्रमाणित हो गया है कि अंक दर्ज करने में बड़ी गड़बड़ी हुई है। माना जा रहा है कि जिन मेधावी युवाओं ने परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित किए लेकिन रिजल्ट की चूक से अनुत्तीर्ण हो गए, उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए उन्हें चयनित होने का अवसर दिया जाए। जांच टीम शासन को ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूची भी सौंपेगी। उम्मीद है कि सरकार उन्हें उत्तीर्ण घोषित करने का निर्देश देगा ताकि वे सभी तय प्रक्रिया के अनुसार शिक्षक बन सकें। ये थी पूरी जानकारी फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा, परीक्षा पैटर्न में बदलाव की भी बात चल रही है। ओमा शीट पे आगे का जो है पेपर जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो सकते हैं। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई, अगर आएगी तो मैं आपको सूचित कर दूँगा फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स।